आपका हार्दिक स्वागत है। एक सबको इंतजार है कि जो पीएनपी है वो अपनी रिवाइज आंसर की कब जारी करेगी, कैसे जारी करेगी, कौन से वो सवाल होंगे जिन पे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, जिनको पीएनपी कंसीडर कर सकती है। बिकॉज ये जो पेपर था हमारा 2017 से कॉपी किया गया था, हूबहू सवाल आए हुए थे। उस समय भी रिवाइज आंसर की जब आई थी तो कुछ रिवाइज आंसर हुए थे, फिर बाद में मामला कोर्ट गया था। तो मैं आपको एक सरसरी निगाह से ये बताना चाहता हूं कि वो जो सवाल हैं वो कौन कौन से हैं जिन पर सबकी नजरें गड़ी रहेंगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ये सवाल जो था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने की। कुछ लोगों ने इसका आंसर कैनन माना है, कुछ लोगों ने क्रैस्मर माना है। अब देखिए आयोग की रिवाइज आंसर की में क्या आता है। तो अगला जो सवाल था ये बाल विकास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जिसपे सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। दूसरा मैं आपको अगला सवाल जो था वो ये था कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजान शास्त्री के पिता के रूप में चुना जाता है। तो यहां पे आप देखिए कि लोगों ने जो आपत्तियां दर्ज की हैं अपने प्रूफ के साथ, गार्टन कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने क्रो एंड क्रो माना है। तो देखिए आयोग क्या मानता है ये चीज अब देखने की होगी। और आपत्तियां मैंने आपको बताया है कि फिफ प्राइमरी लेवल में अगर मैं बात करूं तो 54, मैं अभी सिर्फ प्राइमरी लेवल का डिस्कशन कर रहा हूं, 54 क्वेश्चंस पे आपत्तियां दर्ज हुई हैं। और मैंने प्रयागराज में विश्वसनीय सूत्रों से यह पता किया है कि 3 से 3,500 के बीच में आपत्तियां आई हैं। और फिर आयोग ने जैसी आपत्तियां आई हैं विषय विशेषज्ञों की समिति बुलाई है और उस पर मंथन किया है। और होप देखते हैं कि आयोग अपनी रिवाइज आंसर की अच्छे तरीके से जारी करेगा, नहीं तो डेफिनेटली ये मामला 100% कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से फिर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के पास कोर्ट का बेस है। 2017 में कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, कई उत्तरों को सही माना था, बोनस मार्क्स दिलवाए थे कोर्ट ने, तो ये सारी चीजें यहां पे फिर से देखने को मिलेंगी। अगर मैं अगले सवाल पे चलता हूं, दो बाल विकास के सवाल हो गए। ये देखिए ये सवाल जो था ये बहुत ज्यादा दिलचस्प भरा रहा और लोगों को इस पे काफी ज्यादा बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। अधिगम हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। कुछ लोगों ने अपने तर्क दिए कि रुचि होगी, कुछ लोगों ने अभिप्रेरणा बोला, कुछ लोगों ने परिपक्वता बोला। अब देखिए आयोग अपनी आंसर की जब जारी करता है तो वहां क्या होता है। तो ये सवाल हमारा बाल विकास में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहा जिसपे बहुत सारी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। अब देखिए अगले सवाल पे अगर हम चलते हैं कि वो कौन सा सवाल था जिसपे ऑब्जेक्शंस, ये देखिए अब मैं आपको बताऊं ये सवाल भी बहुत ज्यादा दिलचस्प भरा रहा बाल विकास का। शैशव काल का समय, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। देखिए एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो सीटेट में ये सवाल जब आया था तो वहां पे उन्होंने आंसर दिया था जन्म से 2 वर्ष, और लॉजिकली देखा जाए तो जन्म से 2 वर्ष ही होता है, लेकिन आयोग ने जो अपनी आंसर की जारी की तो जन्म से 6 वर्ष जारी किया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल जो आया था ये भी एक दिलचस्प भरा रहा सवाल, और यहां पे दिक्कत हो सकती है आयोग को। अगर इस सवालों पे भी बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां दर्ज की हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे भी आयोग अपनी आंसर की को रिवाइज कर सकता है। अब रिवाइज करता है, बोनस मार्क्स मिलते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। बिकॉज ये मैटर उन लोगों के लिए करेगा जिनका रिजल्ट 3 या 4 नंबर से रुक रहा है। जो लोग ऑलरेडी 95 प्लस हैं, 92, 93, 94 इनके आगे हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं अपनी पहली आंसर की जब आई है, तो उनके लिए कोई वरी होने की बात नहीं, उनके 1-2 मार्क्स बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, डजंट मैटर फॉर ऑल। बट वो लोग जिनके मार्क्स 86 आए हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर उनके मार्क्स 78, 79, 80, 81 के आसपास हैं, अगर वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो उनके लिए बहुत मैटर है। वही लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि क्या हम क्वालिफाई हो पाएंगे, क्या हम सीटेट, क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, सीटेट का भी रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। सीबीएसई मंथन कर रही है, क्योंकि वहां भी कई शिफ्ट में पेपर गलत रहा, वेरिएशंस रहे, ट्रांसलेशन मिस्टेक्स रही, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू रही। नॉर्मलाइजेशन कैसा आएगा किसी को नहीं पता है अभी, सीबीएसई की अंदर की भी इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा, बढ़ेगा, घटेगा, बट अभी तक किसी को नहीं पता है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। तो अगला सवाल जो हमारा था वो कौन सा था वो हम देखते हैं।
ठीक है। ये देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल का जो सवाल था, इसमें लोगों ने ऑब्जेक्शंस किया है, कई लोगों ने इसको सृजनात्मकता मांगा है, कई लोगों ने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग माना है। अब देखिए आयोग का जब आंसर आएगा तो आयोग के आंसर में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो समझने की बात होगी। देखिए सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, हम किसी को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बट अब जब आपत्तियां गई होंगी, प्रूफ गए होंगे, आयोग ने विषय विशेषज्ञों को बुलाया होगा, तो आयोग हो सकता है चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करे, अदरवाइज ये कोर्ट जाएगा मामला 101%। और अगला सवाल जो था ये देखिए, अब देखिए आंख की किरकिरी होने का जो अर्थ है कष्टदायक होना और अप्रिय लगना, दोनों कई लोगों ने माना है कि दोनों 2017 के पेपर में इस तरह के दोनों सवालों पे आंसर दिए गए, कुछ लोगों ने इसको माना, तो इस पे बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए वैसी, लेकिन ये सवाल भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा, हिंदी का ये सवाल था। ठीक है, अगर मैं अगले सवाल पे चलता हूं तो अगले सवाल पे देखिए क्या है। ये सवाल जो था इसको जो कई विद्वानों ने जो कई सारे प्रूफ दिए, जो स्टेट की उत्तर प्रदेश की एससीईआरटी की बुक है उसमें इन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ये चीजें हुई थी, और लेकिन वहां पे एक बात और बताई गई थी कि नरम दल व गरम दल का भी मिलन हुआ था। मैं आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं कि ये सवाल आउट ऑफ द सिलेबस था, ये सवाल आउट ऑफ द सिलेबस था क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हमारे यूपी टेट के एग्जाम में सिलेबस में नहीं है और ये हमारी अपर प्राइमरी में सिलेबस में है, तो यहां जो ये सवाल पूछा गया ये आउट ऑफ सिलेबस था, कई लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया है। दूसरा, कांग्रेस में मुस्लिम लीग के मध्य भी हुआ था और नरम दल व गलम दल दोनों बातें आई थी, तो यहां पे देखिए आयोग या तो बोनस मार्क्स देता है सबको या वो केवल कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य करता है, नरम दल व गरम दल को नहीं मानता है। तो ये ऑब्जेक्शन था नरम दल व गरम दल और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ये सवाल भी जो हमारा इन्वायरमेंट का था बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा, तो अब देखते हैं कि आयोग क्या मानता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर जो प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है वो क्या है। जैसे मैंने आपको बताया जो सूर्य तप और सौर स्थिरांक की बात दो लोगों ने की, सौर स्थिरांक इसका आंसर भी मान रहे हैं लोग, कुछ सूर्य तप भी मान रहे हैं, तो इस पे ऑब्जेक्शंस हुए हैं। अब देखिए जो सटीक सबसे ज्यादा प्रूफ का जो ऑब्जेक्शन होगा वो एनसीईआरटी की बुक्स में, अगर जो एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है अगर उस तरीके से रेफरेंस में माना जाएगा तो देखिए इसका आयोग आंसर क्या देता है। तो यहां पे भी आपको काफी ज्यादा देखने की बात है, वैसे इसके चांसेस कम है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं अभी तक जो सवाल हमने डिस्कस किए उनमें रिवीजन के चांसेस ज्यादा, उनके आंसर की रिवाइज हो सकती है, बोनस मार्क्स मिलते थे, बट इसमें मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी होप फॉर बेस्ट, आपत्तियां की हैं लोगों ने। अगला सवाल जो आयोग ने ऑब्जर्व किया और ये देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं वो जैविक तथा अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। तो अब देखिए कुछ लोगों का मानना है कि इसमें जैविक व अजैविक पदार्थ भी हो सकते हैं और कुछ लोगों का मानना है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक हो सकते हैं, लेकिन देखिए आयोग क्या मानता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात है। ठीक है, और जो अगला सवाल है कि घास भूमि के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है, तो ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है जीवाणु के सही होने की, और आयोग ने भी क्या कहते हैं चीजें ऐसी ही दी हैं, लेकिन कुछ लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि मांसाहारी, तो मेरा अपना ये मानना है कि यही ऑप्शन सही होगा, जीवाणु बैक्टीरिया। लेकिन देखिए क्या ऑप्शन आयोग दे सकता है, आपत्तियां गई हैं, इसमें भी रिविजन के चांसेस कम है क्योंकि जीवाणु इज अ राइट आंसर, जो सबसे टॉप लेवल का जो उपभोक्ता होता है वो ये होता है। तो देखिए अगला सवाल जो था वो क्या था कि अगला सवाल जो सबसे था ये एमपीपीआई जो इन्होंने पूछा था, एमपीपीआई देखिए एमपीपीआई नाम की कोई चीज होती ही नहीं, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है और एक्चुअली में क्या होता है, एमएमपीआई होता है, मिनिसोटोवा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और ये पर्सनालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। 1940 में इसका इन्वेंशन किया था एक साइकोलॉजिस्ट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब ये नाम की कोई चीज होती ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा सही आंसर देगा, तो इसमें सबको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। ऑब्जेक्ट करेंगे नहीं देंगे मामला कोर्ट जाएगा कि आपने सवाल ही गलत बनाया था, तो आप ऑप्शन कैसे एक्सपेक्ट करते हैं,
आप अपने से थोड़ी सोच सकते हैं, 22 लाख लोगों ने पेपर दिया है, अब सवाल ही गलत प्रिंट करते हैं तो आप बच्चा कैसे टेस्ट कर पाएगा, आप बताइए। तो यहाँ पे जो आयोग आंसर दिया है वो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी होना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअल जो ये चीज है MMPI स्वयं पर्सनालिटी, लेकिन सवाल जब गलत आपने बनाया तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि करेक्ट आंसर अपने मन से सोच के बच्चा लगाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया है और इस पे सबको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए क्योंकि सवाल आपने गलत बनाया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन सही लगाएगा बच्चा। ठीक है ठीक है, अगला सवाल जो था ये सवाल था, मैं बाजार जाता हूं, संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? तो मया परम गम्यते आयोग ने इसका आंसर दिया है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ मैंने आपको एक आपत्ति की है, मैंने वीडियो भी बनाया, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इस सवाल में चारों ऑप्शन गलत हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं, मैंने प्रूफ के साथ बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया है कि मया परम गम्यते नहीं होगा, इसके चारों ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर आप पूरा संस्कृत व्याकरण का लॉजिक लगाते हैं कर्मवाच्य के साथ तो इस पे आयोग को बोनस मार्क्स देने पड़ेंगे सबको, और नहीं देंगे तो ये मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा, तो सभी को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये देख लीजिए, मैंने आपत्ति दी दर्ज की है, आपत्ति के साथ प्रूफ भी लगाया, उसका पूरा वीडियो हमने बनाया, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है, इंग्लिश के क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, इंग्लिश और उर्दू, जिन बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज था और उर्दू लैंग्वेज था उनका वीडियो हमने नहीं बनाया है। तो ये वो जो सवाल थे, बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण और संस्कृत के, ये वो जो सवाल थे जिन पे आयोग अपनी आंसर की को रिवाइज कर सकता है, बोनस मार्क्स दे सकता है, ये वो जो सारे सवाल थे। तो मैं आपको उम्मीद कर सकता हूं, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया, सूत्रों से इंफॉर्मेशन जो मिली है कि 2 से 4 सवाल के बीच में ऐसे सवाल हैं जिनकी आयोग आंसर की रिवाइज कर सकता है, और 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जिन पे सबको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच। अभी मैं आपको बता दूं कि आयोग ने रिजल्ट अपना जारी नहीं किया है क्योंकि प्रशासन और शासन उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी, परीक्षा PMP के सचिव हैं उन्होंने अनुमति मांगी थी, लेकिन शासन से भी अनुमति नहीं मिली। उसका रीजन मैं बता देता हूं कि जो सेक्रेटरी है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, जो ग्रुप ऑफिसर्स हैं, वो अभी चुनाव की ड्यूटी, डिफरेंट डिफरेंट फेज के इलेक्शन चल रहे हैं, तो अभी ऑफिस में बैठ नहीं रहे हैं, फील्ड में इलेक्शंस करा रहे हैं। तो जैसे ही फाइल उनके पास पहुंचेगी, अपनी ऑफिस चार्ज ड्यूटी वो रिज्यूम करेंगे, वैसे ही वो अप्रूवल दे देंगे। जैसे ही अप्रूवल प्रशासन से मिलता है, आपका रिजल्ट updlet.nic.in पे अपलोड हो जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा उसके 1 से 2 दिन बाद आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको मैंने PNP प्रयागराज से हम लेके आए हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वेट एंड वॉच, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सुपर टेट की प्रिपरेशन करती रहनी है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन करती है, डोंट वेस्ट योर टाइम। जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, जिनको चांसेस नहीं है, जो क्वालिफाई नहीं हो गया, जो उनका मार्जिन है 6 से 7 नंबर, तो उनकी उम्मीद कम लग रही है, लेकिन डोंट बी होपलेस। अभी अभी आपका दूसरा एग्जाम फिर सीटेट कराने जा रहा है, और UPTET के भी एग्जाम फिर से आएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, KVS के भी एग्जाम्स आएंगे, PGT के भी एग्जाम्स हैं, तो आप उनकी प्रिपरेशन करते रहिए, और डोंट वेस्ट योर टाइम इन द सीइंग कि रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा। जो आएगा आपने किया है, आप अपने आंसर कीस आंसर रिस्पॉन्स शीट्स को चेंज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सके। थैंक यू। विद्या मंत्रा टीम की तरफ से आपको विशिंग यू ऑल द बेस्ट।